श्री पीठाधीश्वर महाराज की, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की, जगत गुरु श्री स्वामी राम भद्राचार्य महाराज की, नमो राघवाय, नमो राघवाय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। गुरु जी का आगमन हो चुका है दोस्तों, जोरदार तालियां, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। ये आपकी आवाज दसों दिशाओं में गूंज रही है दोस्तों, पूरा वातावरण राममय हो रहा है दोस्तों। लगता है कि इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण होने जा रहा है। 22 जनवरी का इंतजार पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया कर रही है, जब अयोध्या में हमारे रामलला का, हम सबके रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा दोस्तों। एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमो राघवाय, नमो राघवाय। मित्रों, जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज ने मीडिया को जब उन्होंने पूछा कि आपका परिचय दीजिए, तो उन्होंने स्वयं अपना परिचय देते हुए कहा कि त्रेता में मैं बालक था, द्वापर में मैं बौद्ध था, और कलयुग में मैं साधु बनकर भगवान श्री राम का संदेश, श्री राम की बातें लोगों तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों। इस धरा पर स्वर्ग का अवतरण होने जा रहा है। एक बार जोर से बोलिए, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। सभी लोग बैठ जाएंगे, सभी लोग भक्तगण बैठ जाइए। कुछ ही समय में राम कथा का आयोजन आप सुनने जा रहे हैं। हम सब के जगत गुरु आदरणीय श्री राम भद्राचार्य जी महाराज। कौन भक्त भय पद 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 पंकज रज परस अहिना, कौन देव ने तारा, योगी देवता भी देख महादेवता भी देख, देवता भी देख महादेवता
मेरे चक्कर में पैसा क्या दिखा दी 7000 भदौरिया पूरा परेशान है कितना हमको कष्ट अभी हो रहा है उसके कारण से निकालने में नहीं जान रहे जय श्री हेलो 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 जय श्री राम नमो राघवाय नमो राघवाय नमो राघवाय नमो राघवाय परम पूज्य प्रातस्मरणीय नित्य प्रति समर्चनीय धर्म चक्रवर्ती श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान का मंगलमय आगमन हम सभी के समक्ष जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के दिव्य सिंहासन पर हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने मनोयोग से पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणति करते हुए हम सभी लोग प्रणाम करेंगे। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अद्भुत श्री राम कथा का रसपान हम सभी लोग कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस की यात्रा की ओर हम सब चलेंगे। उसके पूर्व आचार्य चरणों की पादुकाओं के समर्चन के लिए यहाँ पर बड़भागी यजमान दंपति विराजमान हैं और जिस प्रकार गंगा जी को धरा पर आना था तो भगीरथ जी को उन्होंने माध्यम बनाया, उसी प्रकार हमारे भैया विनोद मिश्रा जी जिनके प्रयास से आज यह श्रीराम कथा गंगा मलाड़ के इस पावन क्षेत्र में प्रवाहित हो रही। एक बार जोरदार तालियां हमारे विनोद भैया के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, सभी सहयोगियों के लिए और इतनी भारी संख्या में हमारे श्रोता बिंद बैठकर राम कथा का रसपान कर रहे हैं, एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। आइए हम सभी लोग आचार्य चरणों के पादुकाओं का समर्चन करते हैं और फिर पूज्य गुरुदेव की वाणी का लाभ प्राप्त करते हैं। ओम अवित्रः अवित्रो वा सर्वावस्थांगदो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वाहिहाभ्यन्तरः शुचिः पुनातो पुण्डरीकाक्षात् पुनातो अथाचमनम्। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। अथ ध्यानम्। ओम मूर्धानन्दिनो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृता जातमग्निम् कविगुं सम्राजमतिथिञ्जनानामासन्ना पात्रञ्जनयन्त देवाः। ध्यायामि श्रीमज्जगद्गुरवे नमः। चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः। अथ स्नानम्। ॐ मा शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाज्यामावलिप्ता रौद्रानुभूरूपाः पार्जन्यः। स्नानियं समर्पयामि ॐ गन्धद्वारं दुराधर्षान्नतपुष्टां करिष्णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिहोपहवे स्त्रियं गन्धं विलेपयामि। ॐ माक्षन्नमीमदन्तह्यव प्रियाधूखत अस्तोखत स्वभानवो विप्राणविष्टय मतीजो जानवीन्द्रते हरिक्षतां समर्पयामि। ॐ मा ओषधीः प्रतिमा ध्रुवं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वायिव सहितवरीर्भीरुधः पारैष्णवः पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि। ॐ मा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः
कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत धूपम् आघ्रापयामि ॐ मा चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद्निरजायत प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरतो निधाय ॐ मा नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णो दूः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् निवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयमुत्रापोषाणं समर्पयामि फलं निवेदयामि पूजायाः साधुगुणार्थे ध्रुवदक्षिणाम् ॐ मा हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम हस्ते पुष्पाणि कृत्वा पुष्पाञ्जलिः आप सब लोग भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करें ॐ नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव प्रार्थना पूर्वकं नमोति नमस्कारांजलिं समर्पयामि श्रीमज्जगद्गुरवे नमः चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः अथ वर्तमान श्री जगद्गुरुणां पूजनम् हरिः ॐ मा बृहस्पते अतिजद्रियो अराद्युमति भाति क्रतुमज्जनेखु जद्दीदयच्छवसरित प्रजात तदस्मा शुद्रवीणं देहि चित्रं श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् बलिए भगवत पिजपा जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की श्री आचार्य चरण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता गंगा माता भारत माता की सत्य सनातन धर्म की श्री राम कथा महामहोत्सव की श्री सीताराम चंद्र भगवान की श्री गणपति भगवान की जय जय श्री सीताराम। मंच पर उपस्थित भक्तों से आग्रह, जिनका प्रणाम हो गया आप सभी लोग नीचे अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी लोग शीघ्र प्रणाम करके अपने स्थान पर नीचे बढ़ जाएं। मेरा सभी से निवेदन है जो पादुका पूजन में उपस्थित हैं सभी अपने स्थान पे जाएं। मेरा सभी से अब माल्यार्पण के लिए आदरणीय श्री जेपी मिश्रा जी से, राम कुमार पांडे जी से, ब्रह्मदेव तिवारी जी से, राधेश्याम मिश्रा जी से निवेदन है कृपया माल्यार्पण करें। और आप सभी महानुभाव से निवेदन है कृपया आप सभी मन से प्रस्थान करेंगे। माल्यार्पण के लिए आदरणीय जेपी जी मिश्रा, उत्तम शुक्ला जी आप लोग सभी से निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण करें। पादुका पूजन हो गई है। गुरु जी का दर्शन करने के बाद आप सभी से निवेदन है कृपया मन से नीचे प्रस्थान करेंगे और अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। माल्यार्पण के लिए आदरणीय जेपी मिश्रा जी, राम कुमार पांडे जी,
ब्रह्मदेव तिवारी जी, राधेश्याम मिश्रा जी से निवेदन है, कृपया गुरु जी को माला अर्पण करके आशीर्वाद लेंगे। सभी मानवाओं से निवेदन है, कृपया दर्शन होने के पश्चात आप सभी मंच खाली करें। सभी महानुभाव माता बहने जो भी पादुका पूजन में यहाँ पर आए हैं, उन सबसे निवेदन है कृपया दर्शन के पश्चात आप सभी मंच खाली करके अपना स्थान प्रांगण में ग्रहण करें। सभी से निवेदन है, संदीप जी अपना स्थान ग्रहण करिए। आप अगर जल्दी जल्दी दर्शन करेंगे गुरु जी के तो कथा हमें जल्दी सुनने को मिलेगी, इसलिए आपसे निवेदन है कृपया आप सभी दर्शन करें गुरु जी के और मन से प्रस्थान करें। आप सभी से करवट प्रार्थना है, कृपया आप गुरु जी के दर्शन करें और मन से प्रस्थान करें, उतनी जल्दी हमें गुरु जी को, गुरु जी की कथा हमारे बीच में हमें सुनने मिलेगी। अब निवेदन है कृपया गुरु जी के दर्शन मात्र से ही सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राम कथा महामहोत्सव की जय जय श्री सीता राम। सभी सज्जनों से आग्रह है, जो लोग मंच पर उपस्थित हैं उन सभी से आग्रह है कृपया मंच के नीचे आ जाएं। सामने बैठे श्रोताओं की अपार श्रृंखला, ए भैया थोड़ा इसको इको जा रहा है, थोड़ा प्ले पढ़ने वाला है, इको जा रहा है, थोड़ा इको कम करिए इसमें। श्रोताओं की अपार श्रृंखला बैठकर पूज्य गुरुदेव के वाणी के लाभ के लिए उत्सुकता में बैठी है। जब तक माल्यार्पण का क्रम चल रहा है, आप सभी के संज्ञान में एक छोटा सा विषय हम रख देते हैं। आप सब जानते हैं कि आज दिव्य भव्य मंदिर अयोध्या जी में बन रहा है। सनातन धर्म का एक नया केंद्र बिंदु अयोध्या जी में राम मंदिर के रूप में स्थापित हो रहा है। लाखों राम भक्तों ने रामलला को भव्य दिव्य मंदिर में देखने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। ना जाने कितने लोगों ने संघर्ष किया, कई पीढ़ियां चली गई और 550 वर्षों बाद आज वहां पर दिव्य भव्य मंदिर बन चुका है। और ठीक 22 जनवरी को जब पूज्य गुरुदेव के अमृत महोत्सव की हम पूर्णाहुति की ओर चलेंगे, 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ की पूर्णाहुति की ओर चलेंगे, ठीक उसी समय दिव्य नक्षत्र में श्री रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं निरंतर कहता हूं, हमारे पूर्व के लोग भी बड़े भाग्यवान थे। उन्होंने दिव्य दिव्य संतों महापुरुषों के दर्शन किए, लेकिन हमारी पीढ़ी भी अपने आप में बहुत भाग्यशाली है, या
पूज्य गुरुदेव के सामने बैठकर जो हजारों भक्तों की श्रृंखला पूज्य गुरुदेव की वाणी को सुनने के लिए बैठी, वो भी बड़ी भाग्यशाली है कि एक ऐसे महापुरुष के सानिध्य में आप बैठे हैं जिन्होंने रामलला के लिए कोर्ट में जाकर रामलला के लिए अपना पक्ष रखा था। हमारे पूर्वजों को इतिहास में केवल टूटते मंदिरों को देखना पड़ा, कभी सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग पर हमला हुआ, कभी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर हमला हुआ, कभी राम मंदिर भव्य राम मंदिर के ऊपर आक्रांताओं ने आक्रमण किया, निरंतर उनको केवल टूटते मंदिरों को देखना पड़ा। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम इतिहास में पहली बार किसी मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। आप सभी से निवेदन करना है आगामी 14 से 22 जनवरी पूज्य गुरुदेव का अमृत महोत्सव श्री अयोध्या जी में आयोजित हो रहा है। मुंबई से पूज्य गुरुदेव के अनेक प्रेमी, हमें लगता है कि लगभग यहाँ से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हो रहे हैं अयोध्या जी में आयोजित अमृत महोत्सव में। वैसे वहाँ पर व्यवस्थाएं अब कम पड़ रही, जिस प्रकार का उत्साह देश में है, दुनिया में है पूज्य गुरुदेव के इस आयोजन को लेकर, लेकिन फिर भी जो लोग सम्मिलित होना चाहते हैं या यज्ञ संबंधित, अमृत महोत्सव संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, बाहर हमारा अमृत महोत्सव का एक स्टॉल लगा हुआ है। आप लौटते समय जब कथा से लौट कर जाएं तो उस स्टॉल पर जाकर अमृत महोत्सव संबंधित किसी भी जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ ही पूज्य गुरुदेव के साहित्यों का केंद्र भी लगा हुआ है। जो भी लोग पूज्य गुरुदेव के कथाओं के ग्रंथ स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं वह वहाँ पर जाकर ग्रंथों को भी प्राप्त कर सकते हैं। और आइए अब पूज्य गुरुदेव की वृंदावली के साथ, आचार्य चरणों की वृंदावली के साथ हम सभी लोग दिव्य कथा यात्रा की ओर चलेंगे। श्रीमद राघव विजयते तराम अर्चनीय आचार्य चरणानाम वृंदावली ही नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम रामानंदाचार्य मंदाकिनी विमल शैलासिक्तम तुलसी पीठाधीश्वर देवम जगद्गुरुम वंदे श्रीमद् सीताराम पद्म पराग मकरंद मधुव्रत श्री संप्रदाय प्रवर्तक सकल शास्त्रार्थ महानव मंदरमति श्रीमदाद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य चरणारविंद चंचरीका समस्त वैष्णवालंकार भूता आर्षवांग में निगमागम पुराण इतिहास सन्निहित गंभीर तत्वान्वेषण तत्परा पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणा सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा वेदांतरण सांडिल्य भक्ति सूत्र गीता वाल्मीकि रामायण भागवत आदि सिद्धांत बोध पुरुष संबंधिकृता शेष तुलसीदास साहित्य सौहित्य स्वाध्याय प्रवचन में आख्यान परम प्रवीणा सनातन धर्म संरक्षण धुरीणा चतुराश्रम चातुर्ण्य मर्यादा संरक्षण विचक्षणा अनाद्य विच्छिन्न सदगुरु परंपरा प्राप्त श्रीमद् सीताराम भक्ति भागीरथी विगाहन विमलकृत मानसा श्रीमद् रामचरित मानस राजमराला सततम शिशुरूप राघव लालन तत्परा समस्त प्राच्य प्रतीच्य विद्या विनोद दिपश्यतः राष्ट्रभाषा गिरमाण गिरा महाकवय विद्वन्मूर्धन्या श्रीमद् राम प्रेम साधन धनधन्या शास्त्रार्थ रसिक शिरोमणय विशिष्टाद्वैतवादानुवर्तिन परमहंस परिव्राजकाचार्य तिरंडीवर्या श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा प्रस्थानत्रयी भाष्यकारा उत्तर प्रदेशस्थ जगद्गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूटस्य जीवन पर्यंत कुलाधिपतयः श्रीवाणी पुरस्कार समलंकृताः वाचस्पतयः महामहोपाध्यायाः राष्ट्रपति पुरस्कृताः साहित्य अकादम्या पुरस्कृताः भारत राष्ट्रपतिना पद्म विभूषणेन विभूषिताः वैष्णव सार्वभौमाः श्री चित्रकूटस्थ मंदाकिनी विमलपुलि निवासिनः श्री तुलसी पीठाधीश्वराः धर्म चक्रवर्तिनः श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्याः अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराजाः विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम। हेलो, सभी श्रोताओं से आग्रह है कृपया, पीछे बहुत भक्तों की श्रृंखला ऐसी है जो खड़ी है जिनके लिए स्थान नहीं बचा है पाताल में, आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे सरक आएं, अपने स्थान से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ें ताकि पीछे के भक्तों को भी स्थान मिल जाए। इधर भी जो माताएं बैठी हैं अपने आगे
जितना भी स्थान हो आप लोग आगे बढ़कर आ जाएं। कथा सुनने का पुण्य है, लेकिन किसी और श्रोता को कथा सुनने के लिए स्थान देना ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सभी लोग आगे सरक आए। श्रीमद्राघवो विजयते तरा श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवाम भागम् पाणौ महासाहयक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं जानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। जयति कवि कुमुद चंद्रो तुलसी हृद्धर्षवर्धन तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत् कविता कौमुदी पिबती। तुलसीं तुलसी पीठम सीतारामौ सलक्ष्मणौ मंदाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारी। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम चरित मानस विमल कथा करूं चित चाय आसन आय विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। पवन सुधनमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नीचे गिर जाता है ए इस ठीक से करो गिरे नहीं भाई ये नीचे गिर रहा बार बार। ठीक कर दो। सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता
श्री सीता राम को हृदय राख विश्वास कबहु बिगड़त ना सुने श्री सीता राम के सियावर रामचंद्र भगवान की विधु मही पूर मयूखनी रवि तप जित नहीं काज मांगे बारिद दे जल राम चंद्र घेरा परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर सर्वांतरयामी सर्वसर्वेश्वर भगवान श्री चित्रकूट बिहारिणी बिहारी जो श्री सीताराम जी की भुवन पावनिक कृपा से हमारे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के इस मलाड नामक क्षेत्र में विनोद मिश्रा और उनके सहयोगियों द्वारा समायोजित और मेरी भागवत श्री राम कथा श्रृंखला की कौन सी कथा 1381वीं श्री राम कथा के द्वितीय सत्र में समवेत सभी संतजन विद्वज्जन माताओं बहनों बेटियों मित्रों और बालकों का और मेरे फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे सभी माताओं बहनों बेटियों मित्रों और बालकों का मैं प्रसन्नता पूर्वक मंगला शासन कर रहा हूं। सबका मंगल हो। चर्चा बहुत प्यारी है। और मैं भी बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि समय पूरा का पूरा वातावरण केवल भारत नहीं पूरे विश्व का वातावरण राममय हो गया है। और आपने जो कल कहा बिल्कुल सही है कि एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। पूरा विश्व आज राममय हो गया है। पूरा विश्व राममय हो गया है क्योंकि हम अब बहुत निकट हैं उस क्षण के जब 22 जनवरी को वह मुहूर्त आ रहा है जो त्रेता में आया था राम जन्म के समय उसी मंगलमय मुहूर्त में श्री राम लला जी अपने गर्भगृह में विराजेंगे। और हम आनंद करेंगे। आप सुन ही रहे थे हमारे उत्तराधिकारी जी से हमने बहुत झेला है। सारे मंदिर तोड़े गए। राम मंदिर जो राम जी के पुत्र कुश जी ने बनाया था उसको
6 जून 1528 में तोड़ा गया और कृष्ण जन्मभूमि का भी मंदिर जो बद्रीनाथ ने बनाया था उसको औरंगजेब ने तोड़वाया। इतना सुंदर था कि आगरा से दिखता था वो। अब धीरे धीरे काशी विश्वनाथ की भी स्थिति ज्ञानवापी पर इन लोगों ने बना दिया अपना स्थान। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब हिंदू अपने प्रत्येक अपमान का बदला लेकर ही रहेगा। अब कोई संकोच नहीं। राम जन्मभूमि हम जीत चुके हैं, ज्ञान बापी पर भी सर्वे चल रहा है और ज्ञान बापी का भी और कृष्ण जन्मभूमि का भी। तो देखिए हम जो चर्चा कर रहे हैं बहुत सामयिक चर्चा कर रहे हैं। संस्कृत में भगवान राम के साथ चंद्र जोड़ा गया और हिंदी में भी जोड़ा गया। विनय पत्रिका का 45वां छंद है, बहुत प्रसिद्ध है वो, सभी हिंदू प्रायशः गाते हैं। श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भर दारु। श्री राम चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भर दारु। नवकंज लोचन विचार करना है कि श्री राम जी को, भगवान राम को चंद्र से क्यों जोड़ा गया। जब राम जी है तो सूर्य कह देते, श्री राम सूर्य, अग्नि भी कह सकते थे, चंद्र से ही क्यों जोड़ा। और इस संस्कृत में वेद व्यास जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण में भी रामचंद्र वसुं दृष्टा, राम जी को चंद्र वाल्मीकि रामायण में भी कहा गया। फादर मुल्के ने कहा कि राम चंद्र शब्द का प्रयोग अर्वाचीन है, गलत बात, रामचंद्र वसुं दृष्टा युद्ध कांड में कहा गया। तो जो कहा गया तो राम जी को चंद्रमा वाल्मीकि ही कह रहे हैं। विश्वभर अपने कंप्यूटर में देखो इस श्लोक को, इंटर में राम चंद्रमा सम दृष्टा। तो मैं कह रहा हूं और वेद व्यास कह ही रहे हैं, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, और रामस्तवराज में भी श्री राम चंद्र रघुपुंगव राजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश
राजाधिराज रघुनंदन राम भद्र दासो हमद्य भवतः शरणागतोऽस्मि। और राम 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 रक्षा में भी, राम रक्षा में भी तो ठीक है, राम है राम भद्र राम जी ने से और आगे श्री रामचंद्र चरण मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरण वत्सागरम, श्री रामचंद्र चरण शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरण शरण प्रपद्ये। और आगे बड़ा वाक्य, बहुत सुंदर वाक्य है, बहुत सुंदर वाक्य, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। और भी अगला श्लोक देखिए ना इसका, बहुत प्यारा, लोकाभिरामं रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। तो जो फादर बुलके ने, फादर कामिल बुलके ने जो निरर्थक उठाया बितंडावाद, संस्कृत में रामचंद्र नहीं कह के उनकी भूल है, भरमार है रामचंद्र की, ऐसा क्यों कहा गया, राम जी के साथ चंद्र क्यों जुड़ा, इसी पर हम विचार कर रहे हैं। देखिए चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, इतना ध्यान रखिए, चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं, 16। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होती हैं कलाएं, पूर्णिमा को दो दो कलाएं, पूर्णिमा को पूर्ण हो जाती हैं, 15 दिन में 16 पूर्ण होती हैं, 15वें दिन 16 पूर्ण होती हैं। और राम जी के इतिहास में भी 15वें वर्ष ही रामचंद्र जी राजा बने तो पूर्ण हो गई 16 कलाएं हो गई। मैं ये जो कह रहा हूं, राम जी को चंद्र इसलिए कहते हैं कि राम जी निरंतर चंद्रमा के समान सबको सुख देते हैं, अमृत बरसाते हैं, पुष्राम चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक, सामान्य चंद्रमा रामचंद्रदास, सामान्य चंद्रमा तो द्वितीया के चंद्रमा शंकर जी के मस्तक पर रहते हैं, पर हमारे राम रूप चंद्रमा शंकर जी के हृदय में रहते हैं, है ना, राम रूप चंद्रमा शंकर जी के हृदय में रहते हैं। वो चौपाई ध्यान दो, ध्यान दो कौन है वो, हर उर सर सरोज पद जी, हर उर सरोज पद जी, अहो भाग मैं देखी हूं ते, अहो भाग
हर उर सन सरोज पन दे अहो भाग में देखियो ते हर उर सर सर भाग में देखियो ते। और विवाह काल में भी जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराज ही। ये हमारा चंद्रमा बहुत प्यारा चंद्रमा है, राम रूप चंद्रमा, इसी विलक्षणता है। हमारे राम रूप चंद्रमा में कोई कलंक ही नहीं। बारहों कल मैंने आपको बताए कि ये बारहों दोषों से दूर है। अब आइए चलिए जो बहुत अद्भुत उद्धरण की ओर हम जा रहे हैं आपको लेकर। साधारण जो चंद्रमा है उसका वहां कृष्ण पक्ष होता है, राम रूप चंद्रमा में कभी कृष्ण पक्ष होता ही नहीं। साधारण चंद्रमा में साधारण चंद्रमा क्या पूर्णिमासी एक बार आती है, राम रूप चंद्रमा में तो 300 दिन पूर्णमासी ही भरी रहती है। ये डिस्टर्ब इसीलिए नरसिंह मेहता कहते हैं कि आंख मारी उघड़े त्या सीता राम देखूं, आंख मारी उघड़े त्या सीता राम देखूं, धन्य मारू जीवन कृपाए नीलेखो, धन्य मारो जीवन कृपाए नीलेखो, आंख मारी उघड़े सीता राम दे, धन्य मारो बात। वह चंद्रमा एक नारी व्रत नहीं है, उस चंद्रमा के पास 28 पत्नियां हैं। 28 पत्नियां हैं चंद्रमा के पास। ये जो हमारे 28 नक्षत्र हैं ज्योतिष में, वही उसकी पत्नियां हैं, उनकी अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा अभिजित श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पूर्व भाद्रपद उत्तर भाद्रपद और रेवती। परंतु हमारे राम रूप चंद्रमा के यहां ऐसा नहीं है। वहां सीता जी एकमात्र पत्नी है भगवान राम रूप। सीता जी ही एकमात्र पत्नी है भगवान राम की, इस रामचंद्र की। अब वो ही 28 भूमिकाओं में रहती, फिर कभी
चर्चा करूंगा मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं चाहता भी हूं यदि हमारी ये आध्यात्मिक राजधानी है मुंबई, तो अब ये आध्यात्मिक राजधानी भी बने आर्थिक राजधानी के साथ साथ। तो देखिए, आइए एक और बहुत अच्छे प्रसंग के उल्लेख चलें। वनवास हो चुका है भगवान राम का। एक और तो लोग कह रहे हैं कि इनके पास कृष्ण पक्ष आ गया। वाल्मीकि ने कहा प्रतिपत चंद्र दर्शनम, पर तुलसीदास जी ने प्रतिपत चंद्र नहीं माना, कहा नहीं नहीं नहीं, राम जी पूर्ण चंद्र ही हैं। रामचंद्र दास वनवास में भी देखिए, चकोर पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा को देखता है। और अब हम अयोध्या कांड में आपको ले जा रहे हैं, आपके स्वर में गा रहे हैं, एक टक सब सोहै ही चहुओ राय, एक टक सब सोहै ही चहुओ राम चंद्र मुख चंद्र चकोरा, राम चंद्र मुख चंद्र बहुत अच्छे बहुत अच्छे, राम चंद्र मुख चकोरा। ये देखिए आप, और सबसे बड़ा आनंद है, कवि से पूछा गया कि राम जी को आपने चंद्रमा कहा, तो यहां उनकी पत्नी कौन है? 28 तो नहीं कहा, नहीं, उस चंद्रमा के पास तो 28 पत्नियां हैं, यहां एक ही पत्नी है। यदि राम चंद्रमा है तो सीता जी रोहिणी है। सीता जी कौन है? रोहिणी। आ उपमा बहुरी कहूं जिय जोही, उपमा बहुरी कहूं जिय जोही, जनु बुध विधुर बीच रोहिणी सोही, रामचंद्र बहुत प्यारे हैं हमारे, अद्भुत चंद्रमा, अद्भुत चंद्रमा। राहु ग्रस नहीं सका, इन चंद्रमा को राहु नहीं ग्रस सका। राहु नहीं ग्रस सका, राहु रूप चरित्र दोष स्वतः ग्रसों का, पर क्या बात है, यहां ग्रहण लगता ही नहीं। आइए एक वहां गुरु पत्नी बृहस्पति की पत्नी तारा को देखकर चंद्रमा मोहित हो गए थे, अब राम रूप चंद्रमा को देखिए, वहां तो गुरु पत्नी थी तारा, और यहां त्रिभुवन गुरु शंकर जी है ना, शंकर जी कौन है? त्रिभुवन गुरु। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, यहां त्रिभुवन गुरु की पत्नी
शंकर जी की पत्नी सती जी सज धज कर रामचंद्र के सामने खड़ी हैं। क्या बात है। चलिए आज आप और चकित होंगे रामचंद्र दास, इतनी सुंदर सेटिंग गोस्वामी जी की मैंने तो कभी किसी की सेटिंग देखी ही नहीं। चलिए देखें, सती जी 16 श्रृंगार करके राम जी के सामने खड़ी हैं और भारतीय नारी के संस्कृत में 16 श्रृंगार कहे भी गए सुहागिनी महिला के। आदौ मज्जन चीर हार तिलकम नेत्रांजने कुन्नेत्रांजनम कुंडलम नासा मौक्तिक केश पाश रचना सत्कंचुकम नूपुरौ सौगंध्यम कर कंकणम चरणयो रागोरणं मेखला ताम्बूलं करदर्पणं चतुरता श्रृंगार का षोडश। अब कहां कोई श्रृंगार कर रहा है, अब तो श्रृंगार रही नहीं गया। 16 श्रृंगार करके सती जी राम जी के सामने खड़ी हैं। मज्जन ये प्रथम श्रृंगार है, स्नान, सुंदर वस्त्र, चीर, गले में हार तीसरा, तिलकम सिंधूर, सिंधूर लगाया हुआ है भगवती जी ने, नेत्रांजने नेत्र में अंजन, कुंडल, नासिका में नासा मौक्ति में मोती की लड़ी बेसर, केश पास रचना सुंदर जुड़ा, सत्कंचुकम सुंदर कंचुक, नूपुरो चरण में नूपुर, सौगंध्यम सुगंधी, करकंकणम हाथ में कंकण, उसी के आजकल चूड़ी का एक रूप हो गया है, चरणयो राग चरण में राग, महावर रण मेखला करधनी, तांबूलम तांबूल मुखेते तांबूलम, कर दर्पणम हाथ में शीशा। इस 16 श्रृंगार करके सती जी राम जी के सामने खड़ी। पर राम रूप चंद्रमा ने उन्हें नहीं देखा। सामान्य दृश्य से भी नहीं देखा और शिव जी ने देख लिया। अरे लगता है राम जी अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, सेमीफाइनल में उत्तीर्ण हो गए। तब शंकर जी ने कहा जय, मैं वही हूं नरसिंह मेहतानाज राग में गाऊं छू, जय सच्चिदानंद जग पावन जय चले मनोज न सावन अस चले मनोज न सावन। बहुत प्यारा चरित्र। हम लोग सोचते हैं कि रामायण जी कितने सरल होंगे, पर कितने गंभीर हैं रामायण जी। शिव जी ने कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। पांचों मुखों से आज शिव जी राम जी की जय बोल रहे हैं।
बहनों माताओं बहनों मित्रों, शिव जी के पांच मुख हैं, उन मुखों का नाम भी है, ऐसा नहीं, उन पांचों मुखों का क्या है, नाम है, नाम बता रहा हूं, तत्पुरुष, ईशान, वामदेव, अघोर और सद्योजात, ये शिव जी के पांच मुख हैं। पांचों मुखों से शिव जी ने राम जी की जय बोली, हे सत जय, हे चित जय, हे आनंद जय, हे जग पावन जय, हे मनोजन सावन जय, हे प्रभु आपकी जय हो। राम जी ने कहा पांच जय क्यों बोली, क्योंकि शिव जी ने कहा कि आज कामदेव ने आपके ऊपर पांच बाण छोड़े पर आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आपने जीत लिया, सती जी को देखा तक नहीं आपने, आपकी जय हो। श्री राम तुम्हारी जय जय हो। सब लोग बोलिए, सब गाइए, श्री राम तुम्हारी जय जय हो। अभिराम तुम्हारी जय जय हो। अभिराम तुम्हारी जय जय हो। श्री राम तुम्हारी जय जय हो। श्री राम तुम्हारी जय जय हो। रघुनाथ तुम्हारी जय जय हो। सीता सब लोग आइए, श्री राम तुम्हारी जय जय हो। श्री राम तुम्हारी जय जय हो। रघुवीर तुम्हारी जय जय हो। रणधीर तुम्हारी जय जय हो। श्री राम तुम्हारी जय जय हो। जय सच्चिदानंद जग पावन जय। चले मनोजन सावन मनोजन सावन। सती जी ने कहा क्या हो गया,
शिवजी राजकुमार को प्रणाम कर रहे हैं, और एक बार नहीं प्रणाम कर रामचंद्र दास, एक बार नहीं प्रणाम किया, 5 बार प्रणाम किया। कितनी बार? ये सब आप लोग सभी श्रोता जान लें, एक बार नहीं प्रणाम किया, 5 बार प्रणाम किया। सत जय, जब भी जय बोलते थे प्रणाम करते थे, जब भी जय बोलते हैं प्रणाम करते हैं। सत जय, चित जय, आनंद जय, जगपावन जय, मनोजन सावन जय। पार्वती सती जी ने देखा, कहे 5 बार क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि हमारे सरकार राम जी ने 5 बार कामदेव को जीत लिया, तो 5 बार क्यों प्रणाम? इसलिए भगवान की 5 लीलाएं हैं, इसलिए 5 बार प्रणाम। बाल लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। और सत्य ये है, शिव जी कहते मेरे पास 5 सिर हैं। बताइए शिव जी कितने सिर हैं, आप जानते हैं ना? शिव जी कितने सिर हैं? 5 सिर हैं। अच्छा, एक एक सिर में कितनी कितनी आंखें हैं बताइए? 3-3। तो 5 सिर कितने आंखें हो गई हैं? थोड़ी गणित मेरी भी कमजोर है, बताइए ना। 15। एक सिर में 3 आंख, तो 5 3 15। शिव जी की कितनी आंखें हैं? 15। एक बार केवल रामायण जी में वर्णन आया है विवाह के प्रकरण में, शंकर राम रूप अनुरागे, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे, पंचदश अति प्रिय लागे। नयन पंचदश, शंकर जी ने राम जी को जब देखा तो उनको 15 आंखें बहुत प्रिय लगी, बहुत प्रिय लगी। नयन पंचदश अति प्रिय लागी। शिव जी ने जब 5 बार प्रणाम किया, सती जी ने कहा कि मैं 16 श्रृंगार करके आई हूं, ये मुझको नहीं देख रहे हैं और राम जी को देख रहे हैं। भय मगन छबितास बिलो की अजह प्रीतिवुर रहती न रोकी। आज भी इनकी प्रीति रुक नहीं रही है, तो क्या मेरे 16 श्रृंगार फीके पड़ गए? शिव जी ने कहा हां सती, तुम्हारे पास 16 श्रृंगार हैं और मेरे रामचंद्र के पास 16 कलाएं हैं। सती, आनंद कर दिया। सती जी ने कहा कि मैं आपके इष्ट देव के ऊपर 16 संशय कर रही हूं। चिढ़ हो गई सती जी को। श्रोता आप लोग बहुत अच्छे हैं, अब मैं आपको समझाकर ही प्रयास करूंगा कहने का। मेरा मन है कि मैं जगत गुरु हूं, जगत गुरु का वक्तव्य मुंबई वालों को कुछ समझ में आ जाए। तो देखिए, सती जी ने 16 संशय किए राम जी के प्रति। पहले जो 5 बार जय कहा उसी पर संशय किया। सती जी ने कहा इनको सत कह दिया, ये तो असत मृग के पीछे दौड़े, माया मृग के पीछे।
चित कह दिया। ये अचित लोगों से सीता जी को पूछ रहे हैं, पूछे त्रल लता तरुपाती, आनंद कह दिया है तो रो रहे हैं, जग पावन कह दिया इन्होंने तो अपावन हिंसा कर डाली, मनोज सावन इनको कह रहे हैं ये तो कामातुर हैं। पांच संशय, अब छठा संशय देखिए, ये राम जी की छवि को देखकर मग्न हो गए, राजपुत्र को प्रणाम कर लिया, छठा संशय, राम जी की छवि को देखकर मग्न हो गए, इस सातवां संशय। अब अगले दोहे में आठ संशय इकट्ठा, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर जाहिन जानत वेद। ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म शरीर धारण नहीं कर सकता, व्यापक शरीर धारण नहीं कर सकता, बिरज रज में नहीं रह सकता, अज जन्म नहीं ले सकता, अकल कलाएं नहीं कर सकता, अनिह चेष्टा नहीं कर सकता, अभेद भेदवादी नहीं हो सकता। जिसको वेद नहीं जानते वो शरीर कैसे धारण करेगा। आठ, तो सात आठ कितना हो गया, पंद्रह। और विष्णु जी को यदि राम जी माना जाए तो खोजे सो की अग्नि ओनारी, ज्ञान धाम श्रीपत असुरारी, वो अग्नि की भांति नारी क्यों सोचे, सोलह संशय किया। सती जी ने कहा मेरे सोलह श्रृंगारों की आपने उपेक्षा की, अपमान किया है, आपके इष्ट देव में सोलह दोष दिखा रहे हूं, विषय बहुत रमणीय है आज का। सती जी ने समझाया नहीं सती, शिव जी ने कहा नहीं सती, ये तो सोलह कला के चंद्रमा है ही हैं, ये तो सोलह चंद्रमा। राम चंदा की, राम चंदा की संतत जय जय हो, राम चंदा की संतत जय जय हो, राम चंदा जय जय हो, राम सोरह कला विराजे, कनाए जिन में विराजे, जिनकी शोभा पर कोटि काम लाजे, ऐसे चंदा की संतत जय जय हो, ऐसे राम चंदा की संतत जय जय हो, राम चंदा की संतत जय जय हो, राम चंदा की संतत जय जय हो। कौसल्या पूर्व दिशा में प्रगट भय, पूर्व दिशा में प्रगट भय, कौसल्या पूर्व दिशा में प्रगट भय, पूर्व दिशा में प्रगट भय, संत जन कुमुद चकोर को निकट भय, संत
संत जन कुमुद चकोरन को निकट भय विमल चंदा की संतत जय जय हो विमल विमल चंदा की संतत जय जय हो राम चंदा की संतत जय जय हो सौ दिन जहाँ रहे पूरण मासी पूरण तीसौ दिन जहाँ रहे पूरण मासी शंकर के हृदय में निरंतर बासी शंकर के हृदय में निरंतर बासी सरल चंदा की संतत जय जय हो सरल चंदा राम चंदा की संतत जय जय हो राम चंदा की संतत ओ कला नहीं पी सके सुर गण हारे राहु नहीं ग्रसी सके राहु नहीं ग्रसी सके भय नियारे अद्भुत चंद्रा की तरल दशरथ के मारे कौशल्या के दुलारे राम भद्राचार्य के बिलोचन के तारे प्यारे चंदा की चारु चंदा की संतत जय जय हो चारु चंदा राम चंदा की राम चंदा की संतत राम चंद्रमा की संतत जय जय हो राम चंद्रमा की संतत विमल चंद्रमा की संतत जय जय हो सरल चंद्रमा की संतत जय जय हो चारु चंद्रमा की संतत जय जय हो बोले सियावर राम चंद्र की जय हो ग्रस्तम रावण रावण तो मैं कह रहा हूं कि राम कौन सरसर कौन सा है
मैं कह रहा हूं, शिव जी ने कहा राम जी मेरे चंद्रमा है, सती तुम नहीं समझ रही हो। सती जी को बहुत गंभीरता से सुनिए, भगवान की कृपा है आज, तुम नहीं समझ रही हो। देखो मेरा स्वभाव जानती हो माताओं, मित्र भी जानते हैं, जैसे कोई भंडारी या कोई माँ अच्छा अच्छा भोजन बनाकर अपने पति को खिलाती है, अपने परिवार को, और भंडारी भी अपने स्वामी को, तो उसी और कोई पुजारी अच्छा अच्छा श्रृंगार करके भगवान को रिझाता है, तो मैं ये सब तो कर नहीं पाता, तो मैं प्रयास करता हूँ अच्छे अच्छे भाव सुनाकर अपने हनुमान जी को मैं प्रसन्न करूँ। शिव जी ने सती जी को समझाया, ऐसा हठ मत करो, राम जी चंद्रमा ही है, ठीक है मैं परीक्षा लूंगी। चंद्रमा एक नारी व्रत है नहीं है, रोहिणी को बहुत मानते हैं चंद्रमा, मैं सीता जी का वेश बनाकर इनकी परीक्षा करूंगी। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, आगे हो चली पंथ तही दही आवत नर बहु। सीता जी का वेश बना लिया सती जी ने, लक्ष्मण जी ने देखा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, किंतु सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, शब्दावली दिखे राम जी की, क्या ब्राह्मणस कार्य का उपस्थापन। चंद्रमा गुरु पत्नी को देखकर मोहित हो गए थे, राम जी ने त्रिभुवन गुरु पत्नी को देखा तक नहीं, केवल जाना, और जोरी पानी प्रभु जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, दोनों का अंतर देख लीजिए। वह चंद्रमा गुरु पत्नी को देखकर काम भावना, काम की वासना से युक्त हुआ, और हमारे राम चंद्रमा त्रिभुवन गुरु पत्नी को देखकर भी उपासना से युक्त होकर प्रणाम कर रहे हैं। और एक बार नहीं प्रणाम किया,
फिर भी नहीं बोली। पिता समेत लीन निज नामु, दशरथ नंदन मैं प्रणाम कर रहा हूं, फिर भी नहीं बोली। कहेउ बहोर कहां वृषकेतु, अरे शंकर जी कहां हैं, फिर भी नहीं बोली। विपिन अकेली फिर के तू आप अकेली घूम रही है, फिर भी नहीं बोली। ओहो, राम जी समझ गए, करी इनको मेरी कलाओं पर संदेह हो रहा है। राम वचन बृदगुर सुर उपजावन संकोच संकोच, सती सभी तमहेश पह चले हृदय अतोच। अब यहां आप देखिए, आश्चर्य लगता है, मुझे भी आश्चर्य लग रहा है। सभी प्रतियों के अनुसार 54वें दोहे की ये तीसरी लाइन से, तीसरी पंक्ति से, और मेरी प्रति के अनुसार 55वें दोहे की तीसरी पंक्ति से, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछ प्रकट जनावा। यहां से प्रारंभ करके अन्य प्रतियों में 55वें दोहे में और मेरी प्रति में 56वें, गई सभी समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहु सब बात। देखे यहां 16 पंक्तियां हैं, गिनकर 16 पंक्तियां हैं यहां। जाना राम सती दुख पावा से लेकर 6 पर चौपाई, सती विधात्री इंदिरा देखी अमित, इस सातवां दोहा, साते हो गए। देखे रघुपति जहां तरह जेते, यहां से लेकर पुन पुन नाय राम पद सीसा गई सती जह रहे, चली सती जह रहे गिरी से 8, 8, 7, 15 और गई समीप महेश तब हंस पूछी कुछ रात 16। इन 16 पंक्तियों में सती जी को राम जी ने अपनी 16 कलाएं दिखा दी के लिए, देख लो ये, देखो तुम देखो। राम जी ने कहा, सती जी आपको 16 श्रृंगारों पर गर्व है ना, आपको 16 श्रृंगारों पर अभिमान है, तो मुझे अपनी 16 कलाओं पर स्वाभिमान है। क्या आनंद है, उस चंद्रमा के मित्र हैं कामदेव, सुहृदपि जडात्मा हिमकर है, और मेरे मित्र कामदेव नहीं है, राम चंद्रमा के मित्र कामारी, काम के शत्रु, प्रमाण दो रामचंद्रदास, काम के शत्रु, सेवक स्वामी, सेवक स्वामी सखा सीएपी के, सेवक स्वामी सखा सीएपी के, हित निरूपधि सब विधि तुलसी के, सब विधि तुलसी। क्या आनंद हो रहा, देखो, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी। क्या आनंद कर दिया, नमस्कार का बड़ा आनंद है। सती आप समझ कर, निज प्रभाव कछ प्रकट जनावा, अमृता कला का प्रयोग किया, आप महिम मरेंगे नहीं, दंड मिल जाता लक्ष्मण आज आपको मार डालते, पर मैं आपको अमृतत्व का वरदान दे रहा हूं, नहीं अभी आप नहीं मरेंगी। मानदा सती दीख मक कौतुक जाता, आगे राम सहित सिद्धरात सम्मान दिया कि देखिए मेरी पत्नी हरी नहीं गई सती जी, वो तो आप लोगों के हित के लिए
मैंने उनको अग्नि में भेज दिया। धन्य है सीता जी जो अग्नि में जाकर भी नहीं जल रही हैं। सती जी, अब आप जलेंगी, पर मैं आपको मान दे रहा हूं। ओ, देखा फिर चितवा, पाछे प्रभु देखा, पीछे देखा, पूछा सहित बंद श्री सुंदर बेसा जहां चितवा प्रभु आसीना सेवे सिद्ध मुनि प्रवीण, जहां देखती वहां राम जी दिखाई पड़ते हैं। तुष्टि देखे शिवविध विष्णु ने का अमित प्रभाव एक ते का पुष्टि पूजे बंद चरण कर प्रभु सेवा रति विविध वेश देखे सब देवा रति सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप जय जय विष आजाद सुर तेह तेह तंद्र अनूप धृति धैर्य देखे रघुपत जहां तहां जेते शक्ति सहित सकल सुर तेते शशिनी सभी मेरी सेवा करने देख रहे हो कि नहीं देख रहे हूं। चंद्रिका जीव चराचर जे संसार आ देखे सगल अनेक प्रकार सभी जीव देखा। ये देखो चंद्रिका पूजित प्रभु बन मन पूजित प्रभु देव बहुवेशा राम रूप दूसर नहीं देखा। कांति सोई सोई रघुपत सोई लक्ष्मण अवलोक रघुपत बहु तेरे सीता सहित रूप घनेरे देखा ज्योत्सना सोई रघुपत सोई लक्ष्मण सीता सोई लक्ष्मण सोई रघुपत सीता देख सकते विस्मिता श्री हृदय कमतन कंसुत नाही नाथ आंख मुद बैठी मन माही मैं नेत्र बंद कर लिया। प्रीति आसर क्रिया बहुर बिलो को नैनु घारी कृष्ण देखता हरण कुमारी अंगदा पुन पुन नाय राम पथीसा चली सती जहने गिरीसा पूर्णा गई सभी तो मह गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात लीन परीक्षा कौन भी सत्य कहो सब बात पूर्णा अमृता। ये देखिए 16 कलाएं दिखा दी भगवान राम ने। बोले राजा रामचंद्र भगवान की कितना सुंदर चंद्रमा विधु मही पूर मयूखनी रवि तप जित नहीं काज मांगे बारिद दे जल रामचंद्र के राज। झूठ मत बोलना कैसी परीक्षा ली हो तो कहा कछु न परीक्षा लेने गुसाई कछु न परीक्षा लेने कछु न परीक्षा लीन गोसाई कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन है प्रणाम तुम्हारी ही नाई
मैंने कोई परीक्षा नहीं। प्रणाम तुम्हारे, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी ही भांति प्रणाम कर लिया। सरस्वती जी ने कहा, शिव जी आपकी पत्नी पूर्ण झूठ बोल रही है, पूर्ण असत्य बोल रही है, असत्य बोल रही है। फिर क्या हुआ सरस्वती? सरस्वती ने कहा, कछु न परीक्षा ली, इन्होंने तो परीक्षा ली पर गोसाई रामचंद्र जी ने इनकी कोई परीक्षा नहीं ली, और आपकी ही भांति जैसे राम जी आपको प्रणाम करते हैं उसी प्रकार जोर पानी प्रभु की प्रणामो। हाथ जोड़कर प्रभु ने, हाथ जोड़कर प्रभु ने इनको इनको दो बार प्रणाम कर लिया, फिर भी इन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। प्रणाम करने के पश्चात शत्रु भी आशीर्वाद देता है, पर इन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। कितनी बड़ी गलती की है इन्होंने, अपमान भी किया और आशीर्वाद भी नहीं दिया। शिव जी ने कहा, आशीर्वाद देते क्यों? इनके पास आशीर्वाद का पुण्य ही नहीं रह गया था, इतना बड़ा पाप कर चुकी हैं, तो कहां से आशीर्वाद देती? बहुत बड़ा पाप कर चुकी है। शारीरिक संपर्क रूप पाप नहीं है, बिनु अघतजी सत्येश नारी वैसे तो पाप है ही है। मैं क्या करूं, पत्नी का प्रेम है नहीं छोड़ा जाता, परम प्रेम नहीं जाई तजी, किंतु किए प्रेम बड़ पाप, क्या करूं मैं, कैसे समाधान होगा? राम जी ने तो अपनी सीता जी को नहीं छोड़ा, अग्नि में चली गई, अग्नि राम जी ही हैं। तुम पावक मह करहु निवासा, राम जी स्वयं अग्नि हैं। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषाणु। राम जी अग्नि ही हैं और कोई नहीं है। अग्नि के रूप में राम जी आ गए और उनमें सीता जी लीन हो गई। मर्यादा की भी रक्षा की सीता जी ने, क्या आनंद है। शिव जी को बड़ी बहुत पीड़ा हुई, राम राम, राम जी ने इनकी परीक्षा भी नहीं ली, प्रणाम करने पर मेरे प्रभु को इन्होंने आशीर्वाद भी नहीं दिया। अरे कुछ तो कह देती, आयुष्मान भव या कुछ कह देती। गुरु पत्नी आशीर्वाद देती है और त्रिभुवन गुरु पत्नी आज आशीर्वाद नहीं देता, अब तुम मेरी पत्नी होने के योग्य नहीं हो। नहीं, यही तनु सती ही भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही, शरीर से मेरा, इस शरीर से अब सती जी का मैं स्पर्श नहीं करूंगा।
पात्रता ही नहीं है, पात्रता ही नहीं मेरी पत्नी योग्य होने की इनमें। मेरी स्वामिनी का रूप बना लिया, पत्नी भाव रख नहीं सकता, पूज्य भाव हो गया। ये तो बीच में पड़ गई, ये न सीता जी रह गई न सती जी रह गई। शिव जी ने त्याग कर दिया। सब आप प्रसंग जानते हैं। सती जी ने भी समझ लिया कि मेरा त्याग हो चुका है, दक्ष जी के यज्ञ में जाकर देखा शिव जी का अपमान, कहा कोई बात नहीं, मैंने अपराध किया है प्रभु का, मैं जो कीना रघुपति अपमाना, अब पुनिपति वचन मृषा कर जाना, त्याग किया शरीर जी ने अग्नि में। अग्नि में त्याग करने का तात्पर्य क्या रहा होगा, जब शरीर छोड़ना था तो गंगा जी में त्याग कर देती, पर सती जी के मन में विवेक आ गया, कुछ भी हो शंकर जी के साथ बैठती हैं कुछ तो रहेगा प्रभाव। कहा कि ये अब लगता यह है कि सीता जी मुझसे रुष्ट हो गई हैं, और वास्तव में सीता जी ही रुष्ट हो गई थी। बहुरी राम माये सिर नावा, प्रेरी सती ही जहीं झूठ कहावा, राम जी की माया सीता जी ही हैं, सोई अवतरी है मोरिय माया। सीता जी ने ही इनसे झूठ बुलवा दिया, उन्हें क्रोध आ गया। भारतीय पत्नी का स्वभाव होता है, भारतीय महिला का स्वभाव, यदि उसके पति का किसी ने अपमान किया तो इतना उग्र हो जाती है वो, उसका बस चले तो उसे कच्चा खा जाए। सीता जी ने कहा सती तुम लोगों के लिए मैंने अपने प्रभु की सेवा छोड़ी। राघव जी ने कहा कि जब तक राक्षसों का नाश करूं तब तक आप अग्नि में रह लीजिए, मैं कुछ नहीं बोली। कोई पत्नी अपने प्रभु के बिना कहीं रह सकती है क्या, वो भी आग में, हाथ में केवल एक जलती हुई मोमबत्ती लेके दिखाओ तो पता चले। और तुमने मेरे प्रभु के चरित्र की परीक्षा ले ली, मेरा वेश तुमने बना लिया, सीता का भी मेरा रूप तुमने धारण कर लिया। कोई बात नहीं, वेश से भले तुमने मेरा रूप धारण किया हो, मेरा स्वरूप कोई महिला नहीं धारण कर सकती। यदि कोई पुरुष राम जी नहीं बन सकता तो कोई महिला सीता जी भी नहीं बन सकती। ठीक है, मैं तुमको अपने तुम्हारे पति से दूर करके रहूंगी। इसे सीता जी ने इनसे झूठ बुलवा दिया। तब सती जी ने सोचा कि क्या करूं। देखा ध्यान से सीता जी अग्नि में हैं। ओहो, तब मैं शरीर अग्नि में ही छोड़ूंगी। अग्नि में शरीर छोड़ा और सीता जी से जाकर क्षमा मांगी कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आप क्षमा की पुत्री हैं, क्षमा मई मां हैं आप, मेरी गलती को क्षमा कीजिए।
कुपुत्रो जाए तक कुचिदप कुमाता न भवती। कुपुत्र शब्द उपलक्षण है कुपुत्री का भी, कुपुत्री जाए तक कुचिदप कुमाता न भवती। पुत्र कुपुत्र हो जाए पर माता कुमाता नहीं होती, पुत्री कुपुत्री हो जाए पर माता कुमाता नहीं होती। आप मुझे क्षमा करिए। सीता जी प्रसन्न हो गई, ठीक है मैंने क्षमा कर दिया, अब आप चाहती क्या है बोलिए। सती मरत हरिशन बर मांगा, जनम शिव पद अनुरागा, जनम शिव पद अनुरागा, शिव पद अनुरागा। यहां हरि शब्द, हरि माने हरि वर्ण वाला, हरि माने भगवान राम भी, यहां हरि माने हरि वर्ण वाला। सीता जी हरे वर्ण की हो गई हैं, पीले वर्ण की हैं, राम जी का श्याम शरीर मिल गया, जातन की स्याई झाई परे श्याम हरित दित्य होए। सीता जी आनंद करें, सीता जी से वरदान मांगा कि जितनी बार जन्म शिव पद में अनुराग हो। शिव पद का अर्थ क्या है? एक तो शिव के चरण में अनुराग हो, ये साधारण अर्थ है, और शिव पद पदम व्यवस्थित त्राण स्थान लक्ष्मांग्री वस्तु सु पदम व्यवस्थित। शिव जी जहां निश्चय करते हैं अर्थात राम जी की, राम जी में अनुराग हो। त्राण शिव जी की जो रक्षा करता है, ऐसे राम जी में अनुराग हो। स्थान शिव जी के हृदय में जो रहते हैं उन राम जी में अनुराग हो। शिव जी जिन चरणों की पूजा, स्थान लक्ष्मांग्री वस्तु सु शिव जी को जिनसे वृषभध्वज मिला है उन राम जी में अनुराग हो। शिव जी जिन चरणों की सेवा करते ऐसे राम जी में अनुराग हो। शिव जी की जो वस्तु धन है ऐसे राम जी में मेरा अनुराग हो। दे दिया वरदान। पार्वती जी ने हिमालय के यहां जाकर जन्म लिया, हिमालय के यहां जन्म लिया। और नारद जी आए और कहे कि सीता जी तप करें, जब पार्वती जी ये तप करें तो भाभी मिट सकें त्रिपुरारी, जो तप करें कुमार तुम्हारी। ये नहीं कहा कि शिव जी के लिए तप करें, अर्थात इनको तपस्या करके राम जी को रिझाना पड़ेगा, इतना पाप कर चुकी है। पार्वती जी ने भी समझ गए को सही है, मैं राम जी को ही रिझाऊंगी। राम जी को रिझाया, संबत सहस मूल फल खाए साग खाई सतबरी सगमा, कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवास, बेल पात मही परई सुखाई तीन सहस संबत सुखा, पुनि परिहरे सुखाने परना उमही नाम तब भय हुआ परना।
आनंद कर दिया। किया तपस्या, तपस्या की और तपस्या में क्या आनंद कर दिया। मूल फल खाकर, साग खाकर, जल पीकर, वायु पीकर, चार उपवास करके, पांच बेल पत्र खाकर, फिर तीन, पांच तीन आठ, उसको भी छोड़ा, कुछ नहीं खाया, नौ, नौ प्रकार से तपस्या की। जानते हैं कि राम जी नौ अंक को पूर्ण करते हैं, तो राम जी की नौ प्रकार से तपस्या कर, नवधा भक्त का प्रयोग कर दिया। नवधा भक्त से तपस्या करके भगवान को रिझा लिया और इतनी राम जी इतने प्रसन्न हुए कि राम जी ने, भगवान राम ने आकाशवाणी की, देखी उमहि तपखीन शरीरा ब्रह्म गिरा भई गगन गभीर। ब्रह्मा जी की वाणी नहीं, यहां ध्यान रखिएगा, यहां राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम जी ही ब्रह्म है और राम जी ने आकाशवाणी की कि हे पार्वती, आपका मनोरथ सफल हो गया, आप कष्ट मत कीजिए, अब मिली है त्रिपुरारी, शंकर जी आपको मिलेंगे। आनंद कर दिया श्री राम जी ने। अमृता पार्वती जी को मरने से बचा लिया, मान दिया पार्वती जी को, मान दिया राम जी ने, ऐसा तब किसी ने किया ही नहीं। पार्वती ब्रह्मा जी ने इस वाणी को समझाया, उस पार्वती जी समझ नहीं पा रही थी। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, आकाशवाणी को शंकर ब्रह्मा जी ने जब व्याख्यायित करके समझाया तब पुलक गात गिरजा हर्षानी। पूछा तुष्टि पुरगात में, पूछा गिरिजा हर्षानी में तुष्टि आन कर दिया। अब पुष्टि देखिए, पार्वती जी से भगवान ने कहा कि अब चली जाइए घर। राम जी ने कहा मैं समझाऊंगा शिव जी को। और क्या आनंद है राम रूप चंद्रमा, भगवान राम शंकर जी के समक्ष प्रकट हुए। नेम प्रेम शंकर कर देखा, नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभी चले हृदय भक्ति की रेखा, भक्ति कई रे देखा, प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रभु प्रकट हो गए। राम रूप चंद्रमा शंकर जी के समक्ष प्रकट हो गए। शिव जी निहारारी आप प्रकट हो गए। हाँ आज मैं कुछ तुमसे आपसे मांगने आया हूं। जबकि मुझे मांगना नहीं चाहिए था, मैं तो दान शिरोमणि हूं, पर पार्वती जी की तपस्या से संतुष्ट होकर मैं अपनी आज आपके सामने भिक्षुक भी बन रहा हूं। अब विनती मम सुनहु शिव, जौ मो पर निज नेहु, जाय बियाहु शैल जही, यह मुहि मांगे देव। जा करके पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। शिव जी ने कहा भगवान उचित तो नहीं है, वही सती जी हैं ये, पर आपकी बात टालूंगा भी नहीं। राम जी ने कहा मैं प्रसन्न हूं ना, अपमान तो मेरा हुआ था, आपका तो हुआ नहीं था,
मैं प्रसन्न हूं। उन्होंने नवधा भक्ति से मुझे प्रसन्न कर लिया। नौ प्रकार का तप करके नवधा भक्ति को तपस्या में डाल दिया उन्होंने। मैं प्रसन्न। अब आप पार्वती जी से जाकर विवाह कीजिए। शिव जी ने कहा एक मेरी इच्छा है। भगवान ने कहा बताओ। शिव जी ने कहा कि मेरी बारात में आपको चलना पड़ेगा। राम जी ने कहा तो किसी वाहन पर ले चलोगे ना मुझको? तुम्हारे बैल वाले वाहन पर तो मैं बैठूंगा नहीं, मैं गोभक्त हूं। शिव जी ने कहा नहीं महाराज, आपको नंदी बैल पर नहीं बिठाऊंगा, अपने हृदय के सिंहासन पर आपको बिठाऊंगा। अंतर धान भये अस भाखी, कर दिया। राम रूप चंद्रमा को शंकर जी ने हृदय में रख लिया। जब हृदय में राम रूप चंद्रमा आ गया तब पार्वती के मुख चंद्र पर तब वो नहीं रिझेंगे। बल्कि पार्वती जी जय महेश मुख चंद्र चकोरी बनेंगी। और दिव्य आनंद हो रहा है मित्रों। विवाह हो रहा है। शिव जी को उच्च कोटि का बाराती मिल गया है। शिव जी ने कहा भगवान इस बार आप मेरे विवाह में चलिए, अगले कल्प में आपकी बारात में मैं भी चलूंगा। भगवान हुआ वही। नंदी बैल पर बैठकर भगवान शंकर शिव जी चल रहे हैं बारात विवाह करने के लिए। सब कुछ आनंद है। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संहारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कर त्रिशूल अरु डमर विराजा, चले बसन चले बाज। शंकर भगवान का उनके गण श्रृंगार कर रहे हैं। जटा का मुकुट वहां भी, अहि सांप का मौर दो, सांप का ही दो कुंडल चार, सांप के दो कुंड कंकण छह, पहिरे ब्याला सात, तन विभूति विभूत आठ, पटके छाला नौ, सस्य ललाट मस्तक पर चंद्रमा दस, सुंदर श्री गंगा ग्यारह, नयन तीन, तीन नेत्र ग्यारह तीन चौदह,
उपवित भुजंगा 15 गरल कंठ नर सिर माला, कंठ में गरल हृदय पर नर सिर की माला, और 19 इसको नभि गिनित उपवित भुजंगा 12वां सांप का 12 गरल कंठ 13 हृदय पर नर सिर की माला 14 कर त्रिशूल 15 और डमर बिराजा 16 ये 16 कला के रामचंद्र चंद्र के पास तो 16 श्रृंगार इन्होंने भी कर लिया पार्वती जी के। लो चलो तुमको 16 का बड़ा गर्व था ना, तो मैं भी 16 श्रृंगार करके आ रहा हूं। आनंद कर लिया। पार्वती जी भी समझ गई और सोचिए शिव जी ने कहा पार्वती सती के रूप में आपने 16 संदेह राम जी पर किए थे, मैं भी 16 संदेह लेके आ रहा हूं। जटा का मुकुट सांप का उपवीत 2 कुंडल भी सांप, 4 कंकड़ भी सांप, 6 पहिरे वाला कौपीन सांप, 7 तन विभूत विभूत 8 पटके हर छाला व्याघ्रमर पहना, 9 सशिललाट, 10 सुंदर श्री गंगा, 11 19 उपवीत भुजंगा, 3 भुजंग, 12 13 14 गरल, 3 सर्प का उपवीत, 12 गरल कंठ, 13 और नर सिरमाना, 14 कर्तशूल, 15 और डमर भी राजा 16 श्रृंगार किया मैंने। तुमको 16 श्रृंगार पर, तुमको 16 श्रृंगारों पर गर्व था ना, तो मैं भी 16 श्रृंगार के विरोधियों को लेके आ रहा हूं, अब क्या करोगी। पर एक ही अंतर है कि 16 कलाओं के पूर्ण चंद्रमा राम जी के शंकर जी के हृदय में हैं, आ रहे हैं विवाह में आ रहे हैं। भूतगण 12 भूतगण 7 हैं, भूतगण बारातियों ने देखा घराती अगवान लेने आए, बिडर चले वाहन सब भागे, सारे वाहन भाग गए, बच्चे भागे, काय भयंकर है, बर बौरा बर बसा सवारा। पार्वती जी की माता जी ने कहा कुछ भी हो जाए, मैं तो इस लड़के से विवाह नहीं करूंगी अपनी बेटी का। अरे जन्म भर धैरिया कुमारी रही जई है बर बावरे के संग मोरी गौरा नहीं जई है बर बावरे के संग मोरी गौरा नहीं जई बर बावरे के संग मोरी गौरा नहीं जई जन्म भर धैरिया कुमारी रही गई है बर बावरे के संग मोरी क्या करें। पार्वती जी ने भी समझाया मैना जी को, नहीं नहीं माँ, पार्वती सीधा कह दिया कि जन्म भरी धैर्या
कुमारी नहीं रही है बर बावरे के संग रौरा गौरा चली गई है बर बावरे बर बावरे के अद्भुत आनंद हो गया मित्रों। विवाह पार्वती जी का शिव जी के साथ विवाह हो रहा है। आज शिव जी को मिल गई नवधा भक्ति और नवधा भक्ति के आने पर शिव जी में जो नवदोष थे तिनके वचन मान विश्वासा तुम चाहते भर सहज उदासा एक दोष निर्गुण दूसरा निलय तीन कुबेश चार कपाली पांच अकुल छह दिगम अभी कुबेश सात दिगंबर आठ बाली नौ नवो दोष मिट गए और शिव जी धन्य हो गए। देवताओं ने बहुत प्रसन्न होकर इस विवाह का उत्सव मनाया। चारों ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। बोले शंकर भगवान की जय हो जय जयकार हो गई पूरा का पूरा। बाजहि बाजन विविध विधान तुम बाजहि वृष्टि नभ भई विधि नाना सुमन वृष्टि अद्भुत आनंद हो गया शिव जी के साथ पार्वती जी कैलाश आ गई। जगत मात पुत्र शंभु भवानी ते श्रृंगार न कहूं बखानी। तुलसीदास जी करें जगत के माता पिता इनका श्रृंगार कैसे कहूं मैं। आगे की पंक्ति बहुत अच्छी है। क्या करही विविध विधि भोग विलास कर विधि विधि भोग विलास गणन समेत बसही कैलाश थोड़ा सा अटपटा वाक्य का प्रयोग है। पहले कह चुके हैं हमने हमरे जान सदाशिव जोगी अज अनबद्ध अकाम अभोगी। जब शिव जी अभोगी हैं तो यहां भोग विलास का प्रकरण कैसे आ गया। बहुत प्रकार से भोग विलास करें इसका समाधान मैंने ये कहा कि पार्वती जी अपनी सेवा में बाल रूप राघव को रखती हैं। बाल रूप राम जी की सेवा करती हैं पार्वती जी। तो होता यह है यहां भोग का अर्थ है नैवेद्य। शिव जी पार्वती जी राम जी के लिए उत्तम उत्तम भोग बनाती हैं चकाचक और शिव जी विलास माने श्रृंगार और शिव जी राघव जी के सुंदर सुंदर श्रृंगार की व्यवस्था करते हैं। दोनों ही बाल रूप की उपासना पति पत्नी मिलकर दोनों ही बाल रूप राम जी की उपासना करते हैं। कर ही विविध विधि भोग विलास गणना
समेत बसई कैलासागर कर दिया। कार्तिकेय जी का और गणपति जी का जन्म मानसकार कहेंगे जय गजवर्धन सदानंद माता। शिव पुराण में कार्तिकेय बड़े भाई हैं, पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणपति गणेश जी ही बड़े भाई हैं, शिव कार्तिकेय जी छोटे भाई हैं। अद्भुत आनंद हो रहा है। अब कार्तिकेय जी ने विवाह नहीं किया है, वो कुमार हैं। गणपति जी का विवाह हुआ है, उनकी दो पत्नियां हैं सिद्धि बुद्धि, दो बेटे सिद्धि से लाभ बुद्धि से क्षेम, इस प्रकार पार्वती जी की पूरी गृहस्थी हो गई। पति भी बेटा भी दो पुत्र बधुए भी और दो पोते भी पौत्र भी। अब पार्वती जी ने कहा कि देखो अब मैं बहुत गृहस्थी नहीं संभालूंगी, तुम लोग संभालो, मैं चलती हूं, केवल अब केवल राम कथा सुनूंगी। सिद्धि बुद्धि से कहा तुम संभालो गृहस्थी, मैं तुम्हारे काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगी, ले जाओ अपने ताला कुंजी ले जाओ। और सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहिता सुकृति सकल सेम ही शिव सुख कंद। दीवान करें फिर पार्वती जी सबको भोजन करा के विश्राम के समय शिव जी के पास आई और कहा मैंने 16 संशय किए थे राम जी के प्रति, उसी पाप के प्रायश्चित के लिए मैं आपसे 16 प्रश्न करती हूं। राम के अवध नृपति सुत सोई कै अज अगुन अलख गति कोई। कौन है राम? केवल राज अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अलख कै अज अगुन अज अगुण अलक्ष ये कौन है? जोन्द्र पता नहीं तो ब्रह्म क्यों, जब राजा है तो ब्रह्म कैसे नार ब्रह्मति हो? देख चरित महिमा सुन, आपका चरित्र देखते हैं तो ऐसा महिमा सुनते विचित्र भ्रम तो बुद्धि तिमोरी। फिर प्रश्न किया मैं क्या करूं, 16 प्रश्न किए। शिव जी 16 प्रश्नों के उत्तर में श्री राम कथा की चर्चा करेंगे। कल की कथा में श्री राम जन्म भी होगा, बहुत तैयारी से आइए। सोमवार है, अपने अपने काम में भी आपको जाना, फिर भी इस बार समय निकालिए, हम भी आ जाएंगे 4:30 तक। आप भी मस्ती में आइए, कल राम जन्म की चर्चा करेंगे। सीता राम जय सीता राम, 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 सीता राम जय सीता राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो।
श्री राम पूर्ण चंद्रमा की जय हो। कल राम जन्म की चर्चा करेंगे। बहने प्रयास करके पीली पीली साड़ी में बहने आए तो बहुत अच्छा लगेगा। सुहागिनी माताएं चकाचक, आप लोग भी पीले में आइए, पीली शर्ट ले लीजिए, चक आनंद रहेगा। बोलिए भक्त वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जय हो। जय जय श्री सीता सीताराम। बोलिए नमो राघवाय नमो राघवाय। आज श्री राम कथा के द्वितीय सत्र में भूत भावन भगवान शंकर जी के दिव्य चरित्र को हम सबने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सुना। जीवन में कितने ही अवगुण क्यों न हो, लेकिन वह श्री राम रूपी चंद्रमा को प्राप्त करके अपने आप सद्गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। इतनी भारी संख्या के साथ आप उपस्थित एक बार जोरदार तालियों के साथ पूज्य गुरुदेव का इस पावन कथा प्रांगण में अभिनंदन करें, प्रणाम करें। और आज द्वितीय सत्र के विराम की ओर हम सब चल रहे हैं। हमारे बीच श्री हेमंत सिंह जी उपस्थित हैं, जो कि इसके लगभग 3 वर्ष पूर्व पूज्य गुरुदेव की कथा हुई थी नवी मुंबई में, आप वहां के आयोजक थे। और अयोध्या जी में आयोजित हो रहे अमृत महोत्सव के लिए आपने 11 कुंड की सेवा समर्पित की। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी लोग आपका स्वागत करते हैं। पूज्य गुरुदेव के शिष्य और हमारे गुरु भाई पंडित श्री राम प्रसाद त्रिपाठी जी ने, राम प्रकाश त्रिपाठी जी ने भी 1 कुंड की सेवा समर्पित की। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सभी लोग अभिनंदन करते हैं। एक सूचना आप सभी के लिए है, जो भी सज्जन जो भी श्रद्धालु पूज्य गुरुदेव के दर्शन के लिए या दीक्षा देने के लेने के लिए आ रहे हैं, उन सभी से आग्रह, कृपया समय का ध्यान आप अवश्य रखेंगे। प्रातः 10:30 बजे से 11:30 बजे तक का ही समय दर्शन और दीक्षा के लिए निश्चित किया गया है। कृपया इसके पूर्व अथवा इसके बाद आप पूज्य गुरुदेव के आवास पर न पधारें, अथवा अन्यथा आप सबको असुविधा होगी, दर्शन नहीं प्राप्त होंगे। पूज्य गुरुदेव स्वाध्याय में, ग्रंथों के लेखन में निरंतर व्यस्त रहते हैं, इस नाते आप सभी समय का अवश्य ध्यान देंगे। 10:30 बजे से 11:30 बजे तक ही पूज्य गुरुदेव के दर्शन और दीक्षा आप सबको प्राप्त होगी। अब मैं आज की आरती में सम्मिलित होने के लिए संचालक महोदय से आग्रह करता हूं कि मंचस्थ अतिथियों का नाम लें। जय गुरुदेव। आरती में जिन महानुभाव का मैं नाम यहां ले रहा हूं, कृपया मंच पे आएंगे। आदरणीय विनोद मिश्रा जी के साथ में हमारे पूर्व मंत्री कृपा शंकर सिंह जी, कृपया मंच पे आए। प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजेश मिश्रा जी, एसआर मिश्रा जी, एमजे दुबे जी, पवन दधीज जी, प्रेम जी अग्रवाल, पुरुषोत्तम चौधरी जी, अशेक खेमानी, मोहन अग्रवाल जी, अभिषेक पांडे एंड फैमिली, अभिषेक पांडे जी उनकी फैमिली, और प्रदीप त्रिपाठी जी, वेद प्रकाश शुक्ला और सुरेश चौधरी जी। मैं सभी महानुभावों से निवेदन करता हूँ, कृपया मंच पर आएँ और गुरुदेव जी की आरती में, रामायण की आरती में सम्मिलित रहें। राम सिय कीर्ति सुधा रस की, आरती श्री मन मानस की। राम सिय कीर्ति सुधा रस की, जो शंकर ही में प्रगटानी, भुसुंडी मन में हुलसानी, लसी मुनि याज्ञवल्क वाणी, श्री तुलसीदास कहे सहुलास, सुकवित विलास नदी रघुनाथ विमल जस की। राम सिय कीर्ति सुधा रस की, आरती श्री मन मानस की। राम सिय कीर्ति सुधा रस की, बिरति वर भक्ति ज्ञान दाता, सुखद पर लोक लोक त्राता, पढ़त मन मधुकर हरसाता, सप्त सोपान भक्ति पंथान, सुवेद पुराण शास्त्र इतिहास समंजस की। राम सिय कीर्ति सुधा रस की,
आरती श्री मन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की सोर ठा दोह चौपाई छंद रचनाति मन भाई बिरचि बर तुलसीदास गाई गाय नर नार होत भव पार मिटे दुख भार हरे मन कटुता कर कस की राम सिय कीर्ति सुधारस की आरती श्री मन मानस की राम सिय कीर्ति सुधार ललित यह राम कथा गंगा गंगा सुनत भव भीति होत भंगा श्रीरंगा श्रीरंगा नाम को रूप ग्रंथ को भूप हरे तम खूप जीवन धन गुरुवर सर्वस की राम सिय कीर्ति सुधारस की जीवन धन गुरुवर सर्वस की राम सिय कीर्ति सुधारस की आरती श्री मन मानस की राम सिय कीर्ति सुधारस की राम सिय कीर्ति सुधारस की राम सिय कीर्ति सुधारस की समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं विधाय पुष्पैर्देवाभिवन्दनं पश्चात् स्वात्माभिवन्दनं आरातिग्रहणं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम आजिनेन जिनमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकम्